हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गंताराम्स किचन। आज मैं बनाऊंगी चटनी। चटनियों की ज़रूरत हमें बहुत पड़ती है, स्नैक्स के साथ में, सैंडविच के साथ में, हर चीज़ के साथ में हमें चटनी चाहिए ही होती है चाट के लिए। तो आज मैं यहाँ पे एक दो नहीं, पूरे चार तरीके की चटनी की रेसिपी बताने वाली हूँ। सारी चटनियाँ एक दूसरे से अलग हैं और बहुत ही बढ़िया हैं। तो देखते हैं कि मैंने चटनी कैसे बनाई है। सबसे पहले मैं बनाऊँगी कैरी की चटनी। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए हरा धनिया। हरा धनिया के बाद में मैं डालूँगी इसमें पुदीना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पुदीना डाल दूँगी। कैरी की चटनी काफ़ी रिफ्रेशिंग होती है, गर्मियों के लिए बहुत ही बढ़िया है। गर्मी के सीज़न में आप ये एक बार ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद मैं डालेंगे हरी मिर्च। यहाँ पे मैं दो हरी मिर्च ले रही हूँ। उसके बाद मैं डालेंगे अदरक। यहाँ पे मैंने आधा इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है। उसके बाद मैं कैरी, यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की कैरी को छील कर काट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच नमक, 3/4 चम्मच चीनी। चीनी इसमें मस्ट है क्योंकि ये कैरी बहुत खट्टी होती है, तो थोड़ा मीठा टेस्ट करने के लिए। उसके बाद में डाल देंगे 1/4 चम्मच इतना जीरा। और उसके बाद में लास्ट में डालेंगे पानी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालें, थोड़ा सा पानी डाल के इसे पीस लें। अब मैं इसका ढक्कन बंद करूँगी और इसे पीस लूँगी। और देखिए, यहाँ पर हमारी कैरी की चटनी हो गई एकदम तैयार। तो आप इसे रोटी पराठे या किसी भी स्नैक के साथ में, सैंडविच के साथ में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही बढ़िया लगती है। तो यहाँ पे मैं इसे निकाल लेती हूँ। और देखिए, यहाँ पे हमारी ये कैरी की चटनी बहुत तैयार हो गई है। गर्मियों के लिए मस्त ट्राई चटनी है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कर लें इसको। नेक्स्ट जो हम चटनी बनाने वाले हैं वो है मिंट की चटनी। हरे धनिया और पुदीने की चटनी है ये। तो सबसे पहले हरा धनिया डाल दिया है मैंने। उसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पर पुदीना। फिर डाल देंगे हरी मिर्च। यहाँ पर मैं दो हरी मिर्च यूज़ करूँगी। उसके बाद में डालेंगे थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। और फिर 1 चम्मच इतना जीरा, 1/2 चम्मच इतना नमक, थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी चुटकी भर हींग। और उसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा स्क्वीज़ कर देंगे नींबू। यहाँ पे मैं आधा नींबू स्क्वीज़ करूँगी इसमें। तो ये मैंने 1/4 नींबू डाल दिया, अभी 1/4 और डाल दूँगी। तो देखिए, यहाँ पर हमें आधा नींबू इसमें स्क्वीज़ कर देना है। उसके बाद में इसमें हम डालेंगे पानी। यहाँ पे हमें बहुत ही थोड़ा सा पानी ऐड करना है इसमें। अगर हमें ज़रूरत लगे तो आप बाद में पानी ऐड कर लें, लेकिन पहले थोड़ा ही पानी डालें। और यहाँ पे हमारी हरे धनिए पुदीने की चटनी तैयार हो गई है। गर्मियों के लिए ये भी बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग होती है चटनी, खाने में भी बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती है। तो देखिए, यहाँ पे हमारी हरे धनिए पुदीने की चटनी तैयार है। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट जो हम चटनी बनाने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, रेस्टोरेंट वगैरह में यही चटनी मिलती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हरा धनिया डाल देंगे। उसके बाद में डालेंगे अदरक, हरी मिर्च, यहाँ पे भी मैं दो हरी मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ा सा जीरा, नमक। और उसके बाद में डालेंगे दही। हाँ, यहाँ पे हम दही वाली चटनी बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने दही डाल दिया। अभी मैंने दही डाला हुआ है तो पानी नहीं ऐड करूँगी, ज़रूरत होगी तो थोड़ा बाद में पानी ऐड कर लेंगे। तो अभी हम इसे पीस लेते हैं। और देखिए, यहाँ पे ये यह हमारी कितनी बढ़िया दही वाली चटनी तैयार है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, लेकिन वो सिंपल पानी नहीं था, जो दही में पानी निकलता है वही डाल दिया था। तो यहाँ पे ये हमारी दही वाली हरे धनिया की चटनी तैयार है। रेस्टोरेंट वगैरह में ये चटनी बहुत ज़्यादा सर्व करी जाती है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। ये हमारी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी तैयार है। नेक्स्ट हम बनाएंगे एक अलग चटनी है ये। तो सबसे पहले इसके लिए हमें धनिया चाहिए। उसके बाद में हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा, नमक। और इसके बाद में यहाँ पे मैं आधा नींबू इसमें भी स्क्वीज़ कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें आधा नींबू निचोड़ दिया है। अभी उसके बाद में हम डालेंगे इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो है ब्रेड। जी हाँ, हमें इसमें ब्रेड डालना है। तो यहाँ पे मैं ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसकी जगह वाइट ब्रेड यूज़ कर लें। मैंने यहाँ पे एक ब्रेड यूज़ किया है। उसके बाद में पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे 2 ग्लास पानी डाला है। और देखिए, ये हमारी हो गई है ब्रेड वाली चटनी तैयार। आपने शायद ये चटनी पहले कभी नहीं खाई होगी। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी लगती है चटनी। अगर आपने आज तक ट्राई नहीं करी है तो ज़रूर ट्राई करें। कटलेट वगैरह के साथ में आप इसे सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, कटलेट और पकौड़ा के साथ स्पेशली। तो यहाँ पे मैं इसे निकाल लूँगी
और देखिए ये हमारी ब्रेड वाली चटनी तैयार है। कटलेट और पकौड़ों के साथ में ये स्पेशली बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हमारी चारों चटनियाँ बनके तैयार हो गई हैं। तो आपको कौन सी चटनी अच्छी ज़्यादा लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपने कौन सी चटनी पहले नहीं ट्राई करी है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें।